हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड आउट क्लासेस। तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमने एक्सरसाइज 2.1 तक अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद चैप्टर 2। बेस पढ़ते हैं पहले कि जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 और बेस किस पर है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शंस, है ना। जिससे हमने पहले एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा, उसमें ना हमने कुछ रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, ना ही हमने कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था एज सच। सो जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है वो किस पे बेस्ड है? रिलेशंस पे बेस्ड है। और जिसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 वो किस पे बेस्ड है? फंक्शंस पे बेस्ड है। ठीक है, अभी तक इससे पहले बस मैंने आपको ये पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं एंड ऑल दैट। अब हम एक्चुअली में अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। पर ऐसा ये मतलब नहीं है कि 2.1 नहीं पढ़नी, वो नहीं पढ़ोगे तो ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सब हमारा जो चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 है वो किससे रिलेटेड है? रिलेशन से। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रिलेशन। अब किसका रिलेशन किससे? भाई रिलेशन की बात कर रही हूं मैं, किसका रिलेशन किससे यार? ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, क्या रिलेशन, कैसा रिलेशन, क्या होता है ये? तो अब हम वही डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बहुत मतलब आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ए मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है 1, 2, 3। बी मैंने यहाँ पे सेट लिया है 4, 5, 6। अब अगर मैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से सिखाया है, अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालती हूँ गाइज, तो कैसे बनेगा ये मेरा? मैंने वैसे तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाला हुआ है, बट स्टिल अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी लास्ट वीडियो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए में क्या है 1, 2, 3 और बी में क्या है मेरा 4, 5, 6। सो 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6। सो 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6। तो ये मेरा क्या आ गया? ए इंटू बी इज माई कार्टेशियन प्रोडक्ट। इतना समझ आया? कुछ नहीं करा, ए और बी दे रखा है, ए क्रॉस बी निकाल दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का निकाल दिया। अब आ कार्टेशियन प्रोडक्ट गिव्स ऑल द रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी। ये लाइन ना अभी पहले ये समझा दू, फिर इस लाइन पे वापस आऊंगी। इसका मतलब क्या है? अभी बस इतना समझो, ए दे रखा है, बी दे रखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया। नाउ अब मुझे यहाँ पे ना कुछ मैंने रिलेशंस एज एग्जांपल लिए हुए हैं, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, बी इज इक्वल्स टू 4, 5, 6, मैंने यहाँ पे कुछ रिलेशंस लिए हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में। पहला रिलेशन क्या है मेरा? x, y, वेयर y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। ये y क्या होगा? जितना मेरा x होगा उससे 3 ज्यादा। ठीक है, और x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, पहला रिलेशन। अब इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगी? ध्यान से देखो मेरी बात, ध्यान से सुनो, कैसे बोला है मुझे? x कॉमा वाई वेयर y इज इक्वल्स टू x प्लस 3, और मुझे a क्या दे रखा है गाइस? 1, 2, 3, और b मुझे क्या दे रखा है गाइस? 4, 5, 6। आ रही है मेरी बात समझ? अब देखो, मैं अगर x यहाँ पे 1 ले रही हूं तो मेरा y कितना आएगा? 1 प्लस 3, दैट विल गिव मी 4। अब अगर मैं x यहाँ पे 2 ले रही हूं तो मेरा y कितना आएगा गाइस? 2 प्लस 3, दैट इज 5। अब अगर x मैं यहाँ पे 3 ले रही हूं तो y मेरा कितना आ जाएगा? 6। इससे ज्यादा तो मैं कुछ ले नहीं सकती, क्योंकि x क्या है मेरा? a को बिलोंग कर रहा है, y क्या है मेरा? b को बिलोंग कर रहा है। तो x में 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 ले लिया, y में 4, 5, 6, और ये मेरा उसका क्या हो गया? ये रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म थी, मैंने इसकी रोस्टर फॉर्म, तो ये मेरे को मैंने निकाली। नेक्स्ट मुझे बोला x कॉमा वाई वेर x इज ग्रेटर देन y। ऐसा कोई मुझे सेट बताओ रिलेशन में जिसमें x y से बड़ा हो। भाई 1, 4 बना लू, 2, 5 बना लू, 3, 6 बना लू, 1, 5। यहाँ पे देखो ना सेट बिल्डर फॉर्म में, हमेशा जो आपका x है वो y से क्या है? छोटा है। कोई भी आप इसमें, कोई सा भी आप इसमें फॉर्म देख सकते हो जिसके अंदर आपका x y से बड़ा हो? नहीं। तो ऐसी कोई हमारे पास इसकी वो रोस्टर फॉर्म नहीं है जिसके अंदर मैं अगर कोई भी इसमें से x उठाऊं और वो मेरा y से बड़ा हो, तो ये मेरा क्या बन गया? 5 ब्रैकेट नल सेट। तो ये मेरी इस वाले सेट बिल्डर की क्या हो गई? रोस्टर फॉर्म। सिमिलरली x कॉमा वाई वेज y इज ग्रेटर देन x। अब मुझे इससे ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने जिसमें मेरा y x से बड़ा हो। वो तो 1, 4 इसमें भी देखो y x से बड़ा है, 1, 5 इसमें भी y x से बड़ा है, 1, 6 इसमें भी y x से बड़ा है ना, 2, 4 इसमें भी y x से बड़ा है, 2, 5 इसमें भी y x से बड़ा है, 2, 6 इसमें भी y x से बड़ा है, 3, 4 3, 5 3, 6 सब में देख लो y मेरा x से बड़ा है।
तो ये सारे हम बना सकते हैं। तो ये मेरी आ गई, देख लो 1.4, 1.5, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 3.4, 3.5, 3.6 आपकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, एक्स कॉमा वाई, वेयर इज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। इस वाले को ना बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा। ए मुझे क्या दे रखा था गाइस, 1, 2, 3। बी मुझे क्या दे रखा था गाइस, 4, 5, 6। अब मुझे बोला हुआ है एक्स और वाई मुझे ऐसा लेना है सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, जिसमें कि मेरा एक्स कहां से बिलोंग करना चाहिए, ए से, और वाई कहां से बिलोंग करना चाहिए, बी से। सिंपल है, अगर मैं एक्स को यहाँ पे वन ले रही हूं तो मेरा वाई का क्या आ जाएगा, टू, है ना, वन प्लस वन, वन प्लस वन, टू। पर क्या आपके पास बी में टू है, यहाँ पर वाई बी से बिलोंग करना चाहिए ना, और टू तो यहाँ पे है नहीं, तो मतलब कोई ऐसा नहीं बन रहा। अगर मैं एक्स को टू ले लू प्लस वन, तो वाई मेरा क्या आ रहा है, थ्री। क्या तेरा आपके बी के अंदर थ्री है, नहीं है, तो ये भी आपका हम नहीं ले सकते। अगर मैं एक्स को थ्री ले लू, थ्री प्लस वन, वाई के अंदर अगर मैं थ्री ले लू, थ्री प्लस वन फोर, है ना, थ्री प्लस वन फोर, यस। अब मैंने क्या करा, एक्स को वन लिया तो नहीं आ रहा, टू नहीं आ रहा, एक्स को टू लिया, टू प्लस वन थ्री भी नहीं आ रहा इसके अंदर। अब एक्स को थ्री ले रही हूं, उसमें प्लस वन तो फोर, यस। तो देखो वो नंबर जो आपका इससे बिलोंग करे, तो अगर मैं एक्स को थ्री लूंगी तो वाई मेरा क्या आ जाएगा, फोर। तो सिर्फ इसके अंदर यही मेरा एक सेट बनेगा, ये जो फोर्थ वाला रिलेशन था ना, इसके अंदर सिर्फ यही सेट बनेगा। क्यों, ध्यान से समझो ये चीज, क्योंकि जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो, एक्स को वन पुट करो तो वाई कितना रहा है, टू, टू बी में तो है ही नहीं, तो वो हम नहीं ले सकते। अगर मैं एक्स को टू पुट कर रही हूं तो वाई में मेरा क्या आ रहा है, थ्री, थ्री तो बी में है ही नहीं, तो वो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि अब मैंने एक्स में यहाँ पे क्या पुट करा, थ्री, और थ्री अगर मैं थ्री प्लस वन कर दू ना, थ्री प्लस वन, वाई की वैल्यू क्या आ रही है, फोर, और ये जो फोर है ये मेरा बी के अंदर अवेलेबल है। आई मेरी बात समझ, तो इस वाले का मेरी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, फाइव नहीं बनेगी, दिस विल बी माय 3.4। तो ये मेरा आंसर यहां पर क्या आ जाएगा गाइस, 3.4। आई मेरी बात समझ। और सिमिलरली लास्ट फंक्शन है R5 इज इक्वल टू दिस, वेयर y इज इक्वल टू x। क्या कोई ऐसा आपके पास फंक्शन या कोई ऐसा एलिमेंट बन रहा है जैसे y इज इक्वल टू x हो, x सारे 1, 2, 3 है, y 4, 5, 6 है, कहीं पर भी कुछ इक्वल नहीं है, तो अगेन ये मेरा क्या हो जाएगा, 5। ये मैंने अब आपको क्यों बनवाया, ठीक है, यहां तक अभी हम लोगों ने आराम से पढ़ा हुआ था, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सिखाया वो आपको मैंने पढ़ा रखा था, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, उससे रोस्टर फॉर्म बनानी वो भी आपको आती थी, वो हमने सेट्स वाले चैप्टर में अच्छे से करा था। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखो, ये जितने भी आपके रिलेशन बने, 1, 2, 3, 4, 5, पांच रिलेशन मेरे बने। पहला रिलेशन क्या हुआ, 1.4, 2.5, 3.6, दूसरा 5, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा ये। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जो R1 है वो आपका A into B में आ रहा है, देखो 1.4, 2.5, 3.6, ये रहा 1.4, ये रहा 2.5, ये रहा 3.6। सो R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि R1 पूरा इसके अंदर एलिमेंट्स है। आ जाओ R2, 5 तो सबका ही सबसेट होता है, तो R2 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R3 पूरा ये एज इट इज है आपका, सारे एलिमेंट्स है, सो R3 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जब A क्रॉस B का आप सबसेट निकालोगे तो ये पूरा सेट नहीं लोगे पहले, तो वो ये रहा आपका। R4, 3.4 ये रहा, तो R4 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। एंड लास्ट 5, अगेन R5 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो मैंने आपको ये रिलेशन क्यों बताए, मैंने ये, अब इस लाइन पर आओ कि अ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, इट गिव्स ऑल द पॉसिबल रिलेशन, दुनिया भर के जितने भी रिलेशन, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 5 लिए हैं, ए और बी में आप कोई सा भी रिलेशन बना लो, एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस टू, कोई सा भी रिलेशन बना लो, वो आपके ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी में आपके सारे पॉसिबल रिलेशन हैं, इसके बाहर आपका कोई रिलेशन नहीं आ सकता। अब आई मेरी बात समझ, सो वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दी रिलेशंस R1, R2, R3, R4, R5 आर सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R1, R2, R3, R4, R5 आर सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आई मेरी बात समझ। तो यहाँ पे बस दो चीजें ध्यान रखनी है, कोई भी आपको दो सेट्स दे रखे हो जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, दैट विल गिव यू ऑल दी पॉसिबल रिलेशंस,
दैट विल गिव यू ऑल द पॉसिबल रिलेशन. अब मैं इन दोनों का कोई सा भी रिलेशन निकालू दुनिया जान में, वो मेरा इसका क्या होगा, सबसेट होगा. आपके सामने कितने सारे रिलेशन बनाए मैंने, आ रही है मेरी बात समझ. तो जो हमने लास्ट लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था उसके अंदर सारे रिलेशन थे. अब मैं बात कर रही थी ना कौन सा रिलेशन, किसका रिलेशन, किसके साथ रिलेशन, तो वो ये है कि y is equals to x plus 3, ये एक रिलेशन हुआ. x is greater than y, ये एक रिलेशन है. y is greater than x, ये एक रिलेशन है. और वो रिलेशन जो आप निकालोगे हमेशा उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे पॉसिबिलिटीज ऑफ दैट रिलेशन होंगे. आई होप ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी गाइस. ठीक है, तो ये था रिलेशंस. अब इसी के बेस पे दो तीन कॉन्सेप्ट और हैं. इमेज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक रिलेशन उठाया, फर्स्ट वाला रिलेशन ही, 1.4, 2.5, 3.6. तो जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट की इमेज होता है. फिर से बोल रही हूं, जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट की इमेज होता है. तो सेकेंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो प्री इमेज होता है सेकेंड एलिमेंट की. ठीक है, तो वन क्या है, प्री इमेज है फोर की. फाइव क्या है, इमेज है टू की. टू क्या है, प्री इमेज है फाइव की. सिक्स क्या है, इमेज है थ्री की. थ्री क्या है, प्री इमेज है सिक्स की. आ रही है मेरी बात समझ. तो जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है, इमेज होता है फर्स्ट एलिमेंट का, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होता है, वो प्री इमेज होता है सेकेंड एलिमेंट का. सिंपल. तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा फाइव क्या है, इमेज ऑफ टू, और टू क्या है, प्री इमेज ऑफ फाइव. ये छोटा सा कॉन्सेप्ट. ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइस हमारा डोमेन. अगर मुझे किसी रिलेशन का डोमेन निकालना है तो डोमेन क्या होता है. इन अ रिलेशन, कोई भी आप रिलेशन उठा लो, अभी हमने पांच रिलेशन डिस्कस करे पीछे, इट इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स. मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रिलेशन उठाया 1.4, 1.5, 2.4, 2.5, 3.4, 3.5. अब मेरे को इसका डोमेन निकालना है. तो डोमेन क्या है, सेट है, एक सेट होगा ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, सारे फर्स्ट एलिमेंट का सेट. तो फर्स्ट क्या है इसमें एलिमेंट, 1, 1, 2, 2, 3, 3. क्या सेट बना मेरा, 1, 1, 2, 2, 3, 3. और हमने ये पढ़ा था सेट में रिपीट करने का कोई फायदा नहीं, तो मेरी डोमेन क्या हो गई, 1, 2, 3. ठीक है, सो इन अ रिलेशन सेट ऑफ ऑल दी फर्स्ट एलिमेंट को आप एक सेट बना दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, डोमेन. अब क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमारे क्या होते थे, प्री इमेज, याद है, 1 इज अ प्री इमेज ऑफ 4, 1 इज प्री इमेज ऑफ 5, 2 इज प्री इमेज ऑफ 4, 2 इज प्री इमेज ऑफ 5. ठीक है, तो मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ, वी कैन ऑल्सो से इट इज अ सेट ऑफ प्री इमेजेस. कैसे भी कर लो, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट या सेट ऑफ प्री इमेजेस, आपको क्या मिल जाएगा, आपका डोमेन. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिलेशन लिया गाइस यहाँ पे 2.1 एंड 3.4. अब मेरी इसकी डोमेन क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 2.3, ये मेरी इसकी डोमेन. आई मेरी बात समझ. ठीक है, अब रेंज क्या होता है, रेंज इज बेसिकली सेकेंड एलिमेंट्स का सेट. रेंज इज बेसिकली सेकेंड एलिमेंट का सेट, मतलब 4, 5, 4, 5, 4, 5. तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी मेरी, 4.5. मैंने सेम एग्जांपल यहाँ पे लिया है. इसका डोमेन तो क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3, और इसकी रेंज क्या हो गया, सेकेंड एलिमेंट. सेकेंड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 4, 5, 4, 5, 4, 5, दो ही और टोटल 4 और 5. ठीक है, इसको मैं क्या कह सकती हूँ, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट भी, या फिर सेट ऑफ इमेजेस भी. इसको हम सेट ऑफ प्री इमेजेस भी बोल सकते हैं, और इसको सेट ऑफ इमेजेस. आई मेरी बात समझ. ठीक है, हमने डोमेन पढ़ लिया क्या होता है, हमने रेंज पढ़ लिया क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं कोडोमेन क्या होता है. अगर मैंने कोई रिलेशन बनाया, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, ए का मैंने सेट लिया था 1, 2, 3, बी का मैंने क्या सेट लिया था 4, 5, 6. जो इसका रिलेशन होगा, मतलब ए का रिलेशन बी से, कोई सा भी रिलेशन हो, कैसा भी रिलेशन हो, हमेशा कोडोमेन क्या होगा, सेकंड वाला पूरा सेट. मतलब अगर आपको किसी रिलेशन का कोडोमेन बोल दे, तो जो उसका सेकंड, जिसके साथ आप रिलेशन निकाल रहे हो, उसका पूरा सेट, मैंने कहा कंप्लीट सेकंड सेट, कंप्लीट पूरा सेकंड सेट इज द कोडोमेन. आई मेरी बात समझ. ठीक है, ये चीज और क्लियर होंगी जब हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं एक इसका एग्जाम्पल ले लेती हूँ कोडोमेन आपको एक्सप्लेन करने के लिए. गाइस अगर मैं कोडोमेन आपके साथ एक्सप्लेन करूं, ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमने एक रिलेशन लिया, मैंने ए लिया यहाँ पर 1.2.3, बी लिया मैंने यहाँ पर 4.5.6. ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, और
फॉर एग्जाम्पल मैं यही वाला रिलेशन उठा रही हूँ, फर्स्ट वाला रिलेशन ही उठाया है मैंने, विच सेज एक्स और वाई मुझे ऐसे लेना है जिसमें वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, जहाँ पे एक्स आपका ए को बिलोंग करे और वाई आपका बी को बिलोंग करे। ठीक है, अब ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म थी। अब इसकी अगर मैं रोस्टर फॉर्म निकालू तो क्या आ जाएगी मेरी, मुझे इस तरीके से अगर मैं एक्स को वन ले रही हूँ तो वाई मेरा क्या आ रहा है फोर, अगर मैं एक्स को टू ले रही हूँ तो वाई मेरा क्या आ रहा है फाइव जो कि इसके अंदर है, अगर मैं एक्स को थ्री ले रही हूँ तो वाई मेरा क्या आ रहा है सिक्स। तो ये मेरा एक रिलेशन है। अब अगर इस रिलेशन की मैं आपको बोलूं कि आप मुझे डोमेन निकाल के दो, तो आप डोमेन में मुझे क्या निकाल के दोगे, इनके फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा वन टू थ्री। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं आप मुझे इसकी रेंज निकाल के दो, तो रेंज क्या आ जाएगी मेरी इसकी गाइस, सेकेंड एलिमेंट्स फोर फाइव सिक्स। कोइंसिडेंटली ये इसकी इक्वल आ गई, ये इसकी इक्वल आ गया, बट ऐसा जरूरी नहीं है हर बार हो, हमें बस अपना कॉन्सेप्ट रखना है, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट का सेट, रेंज सेकेंड एलिमेंट का सेट। और अगर मैं आप इसको को डोमेन निकालने को बोलू, तो को डोमेन मतलब ये किन का रिलेशन है, इसका और इसका, ए और बी का, ए पहला बी दूसरा, है ना, ए इज टू बी का रिलेशन है, तो पूरा सेकेंड वाला सेट दैट इज फोर फाइव सिक्स। आई मेरी बात समझ? इसलिए हमारा एक और यहाँ पे कंक्लूजन निकला कि रेंज या तो आपका को डोमेन का सबसेट होगी या तो वो आपके को डोमेन के इक्वल होगी। यहाँ पे देख सकते हो रेंज मेरी को डोमेन के क्या है, इक्वल है, या तो वो इसका कोई सबसेट होती है ना, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो उसके अंदर होते हैं। अच्छा, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आर फोर ले लिया गाइस, आर फोर मेरा क्या है थ्री कॉमा फोर। अब मुझे एक बात बताना इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या है इसकी थ्री, रेंज क्या है इसकी फोर, रेंज क्या आ गई इसकी, सिर्फ सेकेंड एलिमेंट लो ना फोर, पर इसका अभी भी कोर डोमेन क्या रहेगा, क्योंकि ये रिलेशन किसका ए और बी का, तो कोर डोमेन मेरा सेम ही रहेगा, बी वाला पूरा सेट। आ रही है मेरी बात समझ में क्या बोल रही हूँ? कोर डोमेन का मतलब होता है जिसके बीच का भी रिलेशन आपने निकाला है उसका सेकेंड वाले का पूरा सेट, दैट इज योर कोर डोमेन। अब देखो रेंज यहाँ पे मेरी फोर है, कोर डोमेन मेरा यहाँ पे है, तो रेंज हुई नहीं हुई सबसेट ऑफ कोर डोमेन, रेंज फोर है, कोडोमेन भी फोर फाइव सिक्स है, तो फोर इसका सबसेट हुआ ना। अब आ रही है मेरी बात समझ? तो रेंज क्या हो सकता है, रेंज कोडोमेन का सबसेट भी हो सकती है और रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन भी हो सकता है। आई होप गाइज ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए बच्चों को, नहीं कंफ्यूजन हो जाता है कोडोमेन क्या है रेंज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म। ये मैंने अभी आपको पूरे अच्छे से सिखाया सेट बिल्डर कैसे होता है, रोस्टर कैसे होता है, ये होती है हमारी सारी सेट बिल्डर फॉर्म और ये क्या होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। सो रिलेशन कैन बी, एक रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक एरो डायग्राम। ठीक है, अब एक रिलेशन को आप एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बहुत सिंपल है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला था, है ना, उसी तरीके से। अब देखो मुझे एक यहाँ पे रिलेशन दे रखा है 1.4 2.5 3.6, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करे, जो सेकंड एलिमेंट है वो बी के है। ठीक है, अब देखो 1 का रिलेशन किसके है 4 के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ है 5 के साथ, 3 का रिलेशन किसके साथ है 6 के साथ। अगर मेरा रिलेशन होता सिर्फ 3.4 तो इसके अंदर मैं ए उठाती और बी उठाती, ए क्या है मेरा 1 2 3, बी क्या है मेरा गाइस 4 5 6, और मेरा रिलेशन सिर्फ 3 का किसके साथ है 4 के साथ, ये इसका क्या हो गया एरो डायग्राम। मतलब जो रिलेशन है उसको बस रिलेट कर दो, खत्म बात, इतना सिंपल है। अब इन्हीं चीजों को हम एग्जांपल से करते हैं ताकि आपको ये और बेटर अंडरस्टैंडिंग दे। उससे पहले बस थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ आप लोगों के लिए रिलेशन। पहली बात, सबसे पहली चीज, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं उसके अंदर मैंने दुनिया भर के सारे रिलेशन है जितने पॉसिबल है, तो जितने भी आप ए या बी के रिलेशन निकालोगे वो तो या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होंगे, सबसेट होंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सारे रिलेशन है। यहाँ पे हमने रिलेशन निकाले और मैंने आपको हर तरीके से दिखा दिया सारे रिलेशन, R1, R2, R3, R4, R5, ये सारे सबसेट है किसके, ए क्रॉस बी के। आई मेरी बात समझ? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इमेज और प्री इमेज। जो सेकंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का इमेज होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेकंड एलिमेंट की क्या होता है, प्री इमेज। फोर इज अ इमेज ऑफ 1, 1 इज अ प्री इमेज ऑफ 4। ठीक है, नेक्स्ट डोमेन, जो भी आपका रिलेशन है उसके पहले एलिमेंट्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। जो भी आपका रेंज, जो भी आपका रिलेशन है उसके सेकंड एलिमेंट्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, रेंज। कोडोमेन, जो भी आपका रिलेशन हो चाहे एक एलिमेंट, तो जिनके बीच में आपने रिलेशन निकाला है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ए और बी के बीच में रिलेशन निकाला था, और अगर सपोज करो मेरा रिलेशन आया 3.4,
किसके बीच का रिलेशन है, ए और बी का, तो उसका पूरा सेकंड वाला सेट उठा लो, वो आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन। और अभी मैंने आपको ये चीज प्रूफ करके दिखाई, रेंज आपका कोडोमेन का सबसेट भी हो सकता है या फिर इज इक्वल टू कोडोमेन भी हो सकता है, मतलब रेंज और कोडोमेन कभी कभार सेम भी हो सकते हैं, कभी कभार रेंज उसका सबसेट भी हो सकता है। ठीक है, सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म क्लियर, एरो डायग्राम क्लियर। ठीक है, इसके बेस पे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब देखो, डिफाइन अ रिलेशन आर, ए टू ए का रिलेशन है, मतलब ए का रिलेशन ए के साथ, ठीक है, हमें बताना है। तो x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। खुद सोचो, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। सबसे पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। अगर मैं इसको रिलेशन में लिखूं, अगर मैं x को 1 ले रही हूं, गाइस देखो a टू a है, तो x भी मेरा ये वाला पूरा सेट हुआ, y भी मेरा यही वाला पूरा सेट हुआ। आ रही है मेरी बात समझ? देखो ना, a क्या है मेरा 1 2 3 4 5 6, इसी का रिलेशन मुझे ए के साथ निकालना है 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरा x के वैल्यूज हैं और ये मेरे किसके हैं, y के वैल्यूज हैं। अब खुद सोचो, अगर मैं x को 1 ले रही हूँ तो y मेरा क्या आ रहा है, 2 इसके अंदर है, तो ये मेरा पहला सेट। अगर मैं x को 2 ले रही हूँ तो y मेरा क्या आ रहा है, 3 भी मेरा इसके अंदर है। अगर मैं x को 3 ले रही हूँ तो y मेरा क्या आ रहा है, 4, जो कि उसके अंदर है। अगर मैं x को 3 ले लिया था, 4 ले रही हूँ, तो मेरा y उसके अंदर क्या आएगा, 5, जो कि y के अंदर है। अगर मैं x को 5 ले रही हूँ तो मेरा y के अंदर क्या आ रहा है, 6, जो कि मेरा इसके अंदर है। तो ये मेरा सेट होगा। अब आप बोलोगे कि x को अगर मैं 6 ले रही हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 7। तो 6 तो इसके अंदर है, पर क्या 7 इसके अंदर है? नहीं है, इसलिए सिर्फ इतना ही हमारा इसका क्या बनेगा, रोस्टर फॉर्म। ये भी चीज ध्यान रखनी है, जब x और y की वैल्यू पुट कर रहे हो तो वो इस सेट से बिलोंग करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट कर रही हूँ, ये तो मेरा इससे बिलोंग कर रहा है, पर y की वैल्यू फिर 7 आ रही है, क्योंकि 6 प्लस 1 हो जाएगा ना, और 7 इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम ये सेट नहीं बना सकते। आई मेरी बात समझ? तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो गई मेरी, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6। अब इस रिलेशन को मुझे एरो डायग्राम से बनाना है, तो मैंने पूरा ए लिख लिया है यहाँ पर, पूरा ए, क्योंकि ए टू ए। तो 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, और 5 का 6 से। कितना आसान है। डोमेन क्या होगी, सारे इसके पहले एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 उठा लो। रेंज क्या होगी, सारे सेकंड एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6 उठा लो। अब इसकी कोडोमेन, इस रिलेशन की कोडोमेन क्या होगी, ये रिलेशन किसका है, ए से ए का, तो ये वाला पूरा सेट, पूरा ए का सेट उठा लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका आंसर। आई एम डैम श्योर इससे अब आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज अ रिलेशन, ये फिगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है और इन्होंने हमें रिलेशन दिया है, 9 का 3 से 9 का -3 से, 4 का 2 से 4 का -2 से, 25 का 5 से 25 का -5 से। सबसे पहले तो मुझे इसको किसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। आप खुद सोचो, 9 का रिलेशन किससे है, 3 से -3 से, 4 का रिलेशन किससे है, 2 से -2 से, 25 का रिलेशन किससे है, 5 से और -5 से। तो क्या ये p है, ये इनके स्क्वायर नहीं है, 3 3 जा 9, -3 into -3 तब भी 9, 2 2 जा 4, -2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा, 5 5 जा 25, -5 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 25। तो सिंपली p इज द स्क्वायर ऑफ q। तो एक्स वाई ऐसे लिया है दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ वाई, मतलब पी ले लो, मैंने पी को एक्स ले लिया और क्यू को वाई ले लिया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप बस यहाँ पे लिख देना पी कॉमा क्यू, तो एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ वाई। सिंपली आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, पी इज अ स्क्वायर ऑफ क्यू। ठीक है, जहां पे पी बिलोंग कर रहा है पी से ही आएगा और क्यू बिलोंग कर रहा है क्यू से ही, इसलिए ताकि सेम ना हो मैंने एक्स और वाई ले लिया था। कंफ्यूज मत हो यार, कोई बात नहीं, ये चीज नहीं समझ आई, भूल जाओ, ये एक्स है ये वाई है, एक्स इज स्क्वायर ऑफ वाई, एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है पी से, वाई कहां से बिलोंग कर रहा है क्यू से। सिंपल, आई मेरी बात समझ? इसी की रोस्टर फॉर्म निकाल दो जरा, क्या हो जाएगा, 9 3 9 3 9 -3। खुद देखो ना, ये एक्स है ये वाई है, एक्स इसका स्क्वायर है, एक्स इसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 4 -2 का भी स्क्वायर है। रिलेशन देखो ना, 9 3 9 -3, 4 2 4 -2, 25 5 25 -5। ये मेरी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म। इतना सिंपल। डोमेन क्या होगा, इसके क्या उठा लो, फर्स्ट एलिमेंट्स, सो 9 4 और 25। रेंज सेकंड एलिमेंट्स 3 -3 2 -2 5 -5, आपका आंसर। आ रही है मेरी बात समझ?
बहुत ज्यादा सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, बी इज इक्वल टू 3, 4 दे रखा है. सो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस. अब नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकाले ए टू बी के, सबसे पहली बात तो ये निकालो ए इंटू बी में कितने आपके एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो मेरे कितने एलिमेंट्स निकले यहाँ पर, मैंने ए क्रॉस बी निकाल दिया. आप चाहते तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं मेरे पास 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है मेरे पास 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा मेरे पास 4, तो मेरे 4 एलिमेंट आ गए. अब जब मुझे रिलेशन निकालना है तो 2 to the power n, n क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 to the power 4 दैट विल गिव यू 16. सो आई होप गाइज ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको ये सब कैसे कर रहा है. ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा. एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. कोई भी डाउट हो यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज. सो होप यू लाइक माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.